कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है मनोज और आप आ चुके हैं हमारे नए वीडियो पे। तो गाइस आज का मेन मुद्दा ये है कि हम खेलने वाले हैं सोलो वर्सेस सोलो। क्लॉक टावर पर उतर गया हूँ। तो गाइस मैंने करेक्टर ले रखा है ब्लैक एडम, जो कि बहुत ही खतरनाक करेक्टर है। और यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत सारे बंदे आए हुए हैं। तो क्या हम सारे बंदों को मार के यहाँ से बाहर निकल पाएंगे, घर निकल पाएंगे? तो देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो यहाँ गाइस मुझे यहाँ पे M14 मिल चुकी है, जो कि एक खतरनाक गन है। और मैं यहाँ पे इसको दो हेडशॉट पे चिपका चुका हूँ, लेकिन क्या करें, किस्मत अपनी ख़राब है और अपना किल चोरी हो चुका है। तो गाइस कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। और मुझे ऊपर साइड है ना मार्क आ रहा है, आई थिंक बंदा है ऊपर, तो मुझे ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक तुरंत बंदा आता है और इसको भी मैं हेडशॉट मार देता हूँ। तो अपने इसी साथ अपने के साथ दो किल कर चुके हैं और दोनों ही किल हेडशॉट के साथ हुए हैं। मतलब गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छा जा रहा है। सो गाइस और मैं यहाँ पर देखने की ट्राई करता हूँ कहीं और बंदा आगे पीछे से ना मार दे। तो मैं नीचे की साइड आता हूँ और यहाँ पे एक छोटे चिकन MP40 मिल जाती है। तो अब मुझे ना ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऊपर बहुत सारे बंदे आए थे, कम से कम 10 से 12 बंदे आए थे। तो मुझे यहाँ पे एक फुटस्टेप आ रहा है और ये बंदा, इसको भी अपने हेडशॉट मार दिया है, लो हेडशॉट। सो गाइस इसी साथ अपना ये तीसरा हेडशॉट है ठीक, और 3 किल हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब 100% हेडशॉट रेट है अभी। सो गाइस अब देखते हैं आगे जो किल होते हैं हेडशॉट साथ होते हैं या बॉडी शॉट के साथ। इसी साथ अपने वीडियो पे बने रहें, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आपका ये तो गाइस अब मैं ना इसको लूट लेता हूँ। लूटने के बाद अपन को ऊपर चलना चाहिए, क्योंकि ऊपर भी और बंदे होते हैं, हो सकता है घरों में बंदे बैठे हों या फिर। तो गाइस मैं यहाँ पे ऊपर साइड आ चुका हूँ और मैं यहाँ देखता हूँ कि एक और बंदा है, अपन इसको हेडशॉट मारेंगे। और ये UMP हेडशॉट, हाँ यस, इसको भी हेडशॉट लगा है। और एक और बंदा है, इसको भी मैं हेडशॉट मारने ट्राई करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एम नहीं आता, क्योंकि ये काफ़ी स्लो बंदा लग रहा है आई थिंक। और मेरे पास स्किल वगैरह भी नहीं है अगर, तो थोड़ा सा मेरे लिए टफ होगा, लेकिन अपन इसको मारने ट्राई करेंगे। और ये बंदा नीचे कूद गया और मेरा एम नहीं जा रहा। और ये क्या था, ये उड़ता उड़ता नीचे कैसे घुस गया, ये क्या जादू था? तो कोई बात नहीं, अपन इसको मारने के लिए नीचे चलेंगे, ऊपर भी एक बंदा, पर इसको भी छोड़ देते हैं, क्योंकि है ना वो बंदा पीछे से आ गया तो मेरा ना सैंडविच हो जाएगा। तो अपन नीचे ही चलते हैं एक बार में एक बंदे को देखने का। तो नीचे अपन नीचे चलते हैं और देखते हैं, थोड़ा सतर्क रहना है क्योंकि अब है ना, लेकिन ये एडवांटेज है कि अभी है ना एक ही बंदा है नीचे, ऊपर वाला ठीक नहीं आएगा, क्योंकि वो ऊपर कुछ खरीदेगा या फिर वेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखते हैं अगर बंदा आता है तो, या फिर जो ऊपर वाला बंदा सीढ़ियों से नीचे आएगा तो आप उसको डायरेक्ट हेडशॉट मार सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे नीचे वाला बंदा बाहर निकल गया और इसको भी, क्या बात है यार, हेडशॉट लग ही नहीं रहा है, मतलब इसको भी हेडशॉट मारेंगे और ये फाइनली हेडशॉट लग ही गया। तो मतलब अपन के ना पांचवा किल आई थिंक, हाँ पांचवा किल है और ये भी हेडशॉट के साथ ही नॉक हुआ है। हाँ ये भी, इसको भी हेडशॉट लगा है। तो अपन के साथ ना 5 किल हो चुके हैं और 5वां हेडशॉट हो चुके हैं, हेडशॉट से किल हुए हैं। तो गाइस अगर वीडियो को आपको पसंद आ रही हो और ब्लैक एडम, अगर आप भी ब्लैक एडम को पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस मैं इसको लूट लेता हूँ और काफ़ी अच्छी लूट मिलने के बाद ऊपर साइड जाता हूँ और मुझे लगता है ना ऊपर एक बंदा है। अपन इसका हेडशॉट नहीं मारेंगे, क्योंकि अगर इसको मैंने लेट किया ना तो ये अंदर ही घुस जाएगा। वो वैसा ही हुआ, मतलब इसको सिर्फ 2 ही गोली मार पाया, अगर 2 गोली और मार देता तो पूरा किल मिल जाता अगले। और ये अभी नीचे जा चुका है, अगर इसका टीममेट हुआ तो रिवाइव हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, अपन है ना देखते हैं क्या होता है। मतलब ऊपर है ना कोई बंदा नहीं है, इसका टीममेट नहीं है और मेरा किल आ चुका है। तो गाइस मुझे अभी एक नीचे साइड कुछ आवाज़ें आ रही हैं, आई थिंक यहाँ पर भी एक बंदा हो सकता है। तो अपन ढूंढने का प्रयास करते हैं। और गाइस जैसे ही मैं नीचे साइड जाता हूँ मुझे एक मास्टर दिख जाते हैं और ये अपने टीम से भटक जाते हैं, जिन्हें हम कभी बता देते हैं। और इसी के साथ अपने 6 किल कंप्लीट हो जाते हैं। तो गाइस जब मैं बार बार वीडियो को लाइक वगैरह करने के लिए नहीं बोलूँगा, और अगर आपको वीडियो लगी हो तो कर ही दीजिएगा आप लोग समझदार हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।